फैक्ट फोल्ड के साथ राजेंद्र तिवारी। आज हम बात करेंगे कि पत्रकारिता की सही कीमत पे करना क्यों जरूरी है, जब कॉरपोरेट, राजनीतिक दल या सरकार के विज्ञापन से अखबार या न्यूज प्लेटफॉर्म चलता है तो स्पष्ट है कि वहां सुधी पाठकों के अटेंशन को प्रोडक्ट बनाकर बेचा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा महत्वपूर्ण विज्ञापनदाता के मैसेज तक पाठक को ले जाना है या फिर ऐसा माहौल बना देना जो विज्ञापनदाता के लिए फायदे का हो। अभी यही तो हो रहा है। लेकिन यदि सुधी पाठक सही कीमत पे करना शुरू कर दे तो यह स्थिति बदल सकती है और तब पाठकों को सत्य देने वाली सामग्री ज्यादा हो जाएगी। द करस्पॉन्डेंट के रॉब विनबर्ग, जिनकी मैंने बात पिछली बार की थी, उन्होंने इस गुत्थी को बहुत कायदे सुलझाया है। उन्होंने जो प्राइसिंग मॉडल बनाया है उसे हम लोकतांत्रिक प्राइसिंग कह सकते हैं। दुनिया में आय विषमता बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि किसी के लिए अखबार के मासिक बिल के 150 रुपए एक समय की चाय का खर्च हो सकता है तो वहीं किसी दूसरे के लिए दिन भर की कमाई। लेकिन पत्रकारिता तो सर्वजन हिताय होनी चाहिए और सबकी पहुंच वाली। इस आधार पर देखें तो पत्रकारिता के लिए एक तय कीमत नहीं होनी चाहिए। और यहां मैं रॉब से सहमत हूं कि विश्वसनीय सूचनाएं और जर्नलिज्म सर्वजन हिताय ही होना चाहिए, लेकिन यह मुफ्त नहीं हो सकता, बल्कि इसकी कीमत सबके लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। उन्होंने पारंपरिक सब्सक्रिप्शन मॉडल को अलविदा कर दिया है और वो कह रहे हैं कि हमने पाठकों पर ही छोड़ दिया है कि वो तय करें कि वो उनके लिए सब्सक्रिप्शन की राशि कितनी उचित है, कितना वो पे कर सकते हैं। इस तरह का जो प्राइसिंग मॉडल है 3 आधारभूत मूल्यों पर आधारित है। नंबर 1, भरोसा। भरोसा पाठकों पर, यह भरोसा कि अधिकतर पाठक मुफ्तखोर नहीं है और यह विश्वास कि पाठक खुद तय करने में सक्षम है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए वह कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। नंबर 2, इंक्लूसिविटी, यानी चाहे आप सालाना 500 रुपए दे पाने की स्थिति में हो या 50,000, विश्वसनीय पत्रकारिता दोनों के लिए अहम है और दोनों तक पहुंचना चाहिए। अच्छे जर्नलिज्म की पहुंच परचेजिंग पावर पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। नंबर 3, सॉलिडेरिटी, मतलब जो लोग ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं वे उन लोगों की मदद करते हैं जो कम पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब जो कम पैसा पे कर सकते हैं उन तक अच्छी पत्रकारिता पहुंचे। इसमें ज्यादा पैसा अफोर्ड करवाने लोग कर पाने वाले लोग मदद करते हैं। ऐसा करके हम अच्छी पत्रकारिता को जीवित रखने में एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह पत्रकारिता मुफ्त भी नहीं रही और सबकी पहुंच के भीतर भी। बहुत स्पष्ट है कि यह सब्सक्रिप्शन मॉडल जो इस तरह का होगा वह डोनेशन नहीं है, यह साफ है बिल्कुल, क्योंकि पत्रकारिता चैरिटेबल काम नहीं है। सब्सक्रिप्शन लेकर आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे और ना ही कोई प्रोडक्ट खरीद रहे, बल्कि पाठक गण, सुधी पाठक, एक अभियान, एक उद्देश्य में शामिल हो रहे हैं, एक आंदोलन जो न्यूज की समझ को बदलने के लिए है उसमें शामिल हो रहे हैं। सोचिए, क्या हमारे देश में भी इसकी जरूरत है? अभी रॉब यह आंदोलन चला रहे हैं, क्या हमारे देश में भी ऐसा कोई आंदोलन खड़ा हो सकता है? सोचिए, यहां जरा हम देखते हैं कि हम लोग अभी कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे पिछड़े हुए गरीब देशों के मुकाबले भी हम लोग कम पैसा खर्च करते हैं। पाकिस्तान में एक अखबार की कीमत 18 पाकिस्तानी रुपए से लेके 28 पाकिस्तानी रुपए तक है। अगर हम भारतीय रुपए में इसको चेंज करके देखें तो ये करीब 9 रुपए से 14 रुपए तक बैठती है। ऐसे ही बांग्लादेश में अखबारों की कीमत 10% है, इसे अगर हम भारतीय रुपए में चेंज कर लें तो ये करीब 8 रुपए के आसपास बैठती है। नेपाल में जो वहां का सबसे बड़ा अखबार हिमालय टाइम्स, उसकी कीमत 5 नेपाली रुपए है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो करीब 3-3.5 रुपए पर बैठते हैं। तो अब देखिए कि अगर हम लोग अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले भी कम पैसे खर्च करते हैं और फिर पत्रकारिता को कोसते हैं, अपने यहां देखें क्या होता है।
देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार दैनिक जागरण दिल्ली में 5 रुपए का है, 24 से 30 पेज का अखबार होता है। अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में 7 रुपए का है, इसके साथ 20 पेज का एक अखबार फ्री मिलता है और 30 पेज का अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ही होता है, यानी 50 पेज। दैनिक भास्कर जयपुर में 4 रुपए का है और यह अखबार भी 24 से 30 पेज का होता है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में अखबार 14 पेज से लेकर 22 पेज तक के ही हैं। तो यह स्थिति है और यह इशू कोई नया इशू नहीं है। आज से करीब 140 साल पहले कोलकाता से निकलने वाले अखबार उचित वक्ता के संपादक ने मुफ्तखोर पाठकों पर कड़ी संपादकीय टिप्पणी तक लिखी थी। इसकी बात हम अगली बार करेंगे। नमस्कार।